नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगौड़े मेहुल चौकसी को लेकर भारत सरकार अब सख्त हो गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि हर हाल में भगौड़ों को भारत वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। अरिंदम बागची ने कहा है कि मेहुल चौकसी इस समय डोमिनिका प्रशासन की कस्टडी में है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हम प्रयास कर रहे हैं कि भगौड़े आर्थिक अपराधी को भारत वापस लाया जाए। बता दें कि डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के मामले में गुरुवार को स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेहुल चौकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के बाद मेहुल चौकसी के कानूनी मामलों के प्रतिनिधि ने कहा है कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। इससे पहले चौकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन की खबर के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में फरार मेहुल चौकसी ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा है कि उसका अपहरण किया गया था और उसे पड़ोसी देश एंटीगुआ और बारबुडा से जबरन डोमिनिका लाया गया। चौकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे डोमिनिका उच्च न्यायालय ने अवैध प्रवेश के आरोपों का सामना करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए दायर की जाती है जो गिरफ्तार है या अवैध रूप से हिरासत में है। वहीं बचाव पक्ष के वकील वाइने नॉर्डे ने कहा है कि चौकसी की सेहत को देखते हुए उसके भागने का खतरा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।